इमरान खान से हमारे देश को तशरीफ ला चुके हैं। टाइम बहुत कम रह गया, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। ओके, अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब आपसे खिताब करें तो आपकी अपनी जगहों पर बैठ जाइए, वरना आप ही बात करते रहेंगे। बैठ जाइए बैठ जाइए सब बैठ जाइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम आगाज़ करेंगे इमरान खान साहब की ये फेवरेट कलाम भी है और उनके दिल के जज्बात भी हैं, और अल्लाह ने जिस तरह हर दौर में अपने बंदों को इज्जत भी दी है, कामयाबी भी दी है, इंशाल्लाह ताला हमारे कप्तान को भी अल्लाह इज्जत तो दे ही रहे हैं, कामयाबी भी बहुत जल्द मिलेगी। सदर बैठे हुए हैं, मैं उन सबको आज खुशामदीद कहता हूं, यहां सारे बैठे हुए हैं, पीछे भी है। देखिए, पहले मुझे जल्दी से कि किधर किधर से आज अटेंडेंस है। लाहौर, गुजरात, गुजरात, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साहिबान, चारों लोग खुशाब से, सिर्फ तुम क्या मुकाबला करोगे और यहाँ हमला हो गया, चार लोगों ने क्या। अच्छा बकर, अच्छा
वाली आपके ऊपर खास जिम्मेदारी होगी अगर या कोई सोशल मीडिया पर हो। सोशल मीडिया चलो अच्छा जी पीटीआई। अच्छा आज बस 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 देखिए आप वजीरिस्तान कैसे बोल सकते हैं। अच्छा जी अब सुनना शाबाश अब सुने। देखिए मैं फिर से अपने नौजवानों आपको मेरा जो आज पैगाम रमजान के महीने में कि अल्लाह ने आप सबको सलाहियत दी है लीडर बनने के लिए। आप अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक हैं। मसला ये है कि हमें पता ही नहीं, हम जिंदगी से गुजर जाते हैं, इस चीज का इल्म ही नहीं हमें होता कि अल्लाह ने हमारे में कितनी सलाहियतें दी है। जो भी इंसान है वो लीडर बन सकता। आप सब, आप तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, आप सब लीडर बन सकते हैं। अब लीडर बनने के लिए मैंने सिर्फ जो सलाहियतें आपको बतानी है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तारीख के सबसे अजीम लीडर थे, ना कभी आया ऐसा लीडर और ना कभी आ सकता। अब उसकी क्या सलाहियतें थी, वो लीडरशिप की क्या सलाहियतें थी जो मेरे नबी में थी। सबसे पहले सच्चा इंसान, सादिक, जो सच बोलने वाला इंसान है उसकी इज्जत होती है। लीडर अपनी इज्जत डंडे से नहीं करवाता, उसके किरदार से, कैरेक्टर से उसकी इज्जत होती है। सच्चा आदमी जिधर भी चला जाता है, जिधर भी सच्चा आदमी जाता है, जिस मर्जी दीन में, माशरे में, जिस मर्जी मुल्क में, सच्चे आदमी की हमेशा इज्जत होती है। जब इस्लाम फैला दुनिया में तो लोगों का ख्याल है तलवारों, तलवार की वजह से फैला। लोगों को यह पता ही नहीं कि मलेशिया और इंडोनेशिया में कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी, मुसलमान ताजर गए थे, हमारे सूफी गए थे, लेकिन जो ताजर गए थे उनसे लोग इतने मुतासिर हुए उनकी सच्चाई से, उनके किरदार से। नाप तोल में, क्योंकि कुरान में हुक्म है कि आप उसमें दो नंबर ही नहीं करेंगे, तो उनके कैरेक्टर से, उनकी ईमानदारी से लोग उनको देख के मुसलमान हुए। दूसरी चीज, अमानतदार, इंसाफ करने वाला। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी नबूवत से पहले सादिक और अमीन थे। तो जब एक इंसान इंसाफ करता है लोग उसकी इज्जत करते हैं, लोग अपने मसले हल करवाने के लिए उस इंसान के पास जाते हैं। गांव के अंदर जो मशहूर होता है कि एक आदमी सच्चा और अमानतदार है, लोग उसके पास जाते हैं अपने मसले हल करने के लिए, क्योंकि एतमाद होता है उन पे। लीडर के ऊपर लोगों को एतमाद होना चाहिए कि वो सच भी बोलेगा और वो अमानतदार भी होगा, वो उनसे वो सिफारिश ही नहीं सामने लेके आएगा, उनसे ये बस, 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 दो नंबर ही नहीं करेगा। इसलिए ये दो चीजें जो लीडर के कैरेक्टर की बुनियाद है, सादिक और अमीन। तीसरी चीज कि एक बुजदल आदमी लीडर नहीं बन सकता। वो एक क्योंकि बुजदल लीडर का प्रॉब्लम ये होता है जब जरूरत पड़ती है तो वो लंदन भाग जाता है, वो लीडर नहीं बन सकता। और सुने सर, सुनो, एक बड़ी अच्छी कहावत है, कहते हैं नेपोलियन ने कही थी, वो बहुत बड़ा एक जनरल था, वो कहता है कि 100 शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो,
वो हार जाएगी 100 गिदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। यानी कि एक मुल्क में जब एक सरबरा डरपोक होता है, बुजदिल होता है, वो सारे मुल्क को ही नहीं चले जाता है। और एक जनरल जैसे खालिद बिन वलीद, जो दुनिया की तारीख में शायद ही कोई ऐसा जनरल आया हो जो कभी हारा ही नहीं, और हमेशा जब वो मुकाबला होता था तो उनसे ज्यादा नफरी बहुत ज्यादा दुश्मनों की होती थी, लेकिन वो बड़ा अजीम लीडर था, अगली सफ पे लड़ते थे और कभी कोई जंग नहीं हारे, क्योंकि और अल्लाह ने उसको खिताब दिया था सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। लेकिन सारे जितने भी बड़े लीडर थे, बाबर था जो पहला मुगल बादशाह था, वो भी खुद फ्रंट रो पे लड़ता था, दलेर था, जो भी बड़ा जिसने भी बड़े काम किए वो पहले अपने खौफ को काबू पाता है, फिर वो लीडर बनता है। जब भी कोई भी लीडर या जो भी बड़ा काम करता है वो अपने खौफ को काबू पाए बगैर बड़ा काम नहीं कर सकता। ये नहीं कि हमारे में खौफ नहीं है, खौफ होता है हम सब में, लेकिन कामयाब इंसान, बड़ा इंसान उस खौफ को काबू पाता है। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझे ये आयत। नारे तकबीर अल्लाह। अभी नहीं, वो टाइम कम है, कितना रह गया टाइम? 10 मिनट, 10 मिनट रह गए, जरा मैं बात खत्म करूं। ये जो ये बड़ा आपको समझने की चीज है कि खौफ हम सब में होता है, लेकिन कामयाब इंसान अपना खौफ के ऊपर काबू पाता है। आपको पता है आज तक कोई बड़ा बिजनेसमैन ही नहीं बना जो नुकसान से डरता हो, नुकसान करने से बिजनेस में डरता हो। वो रिस्क लेता है, बड़ा बिजनेसमैन बड़ी रिस्क लेता है, बड़ा इंसान बड़ी सोच रखता है, बड़ा इंसान बड़े फैसले करता है। और बड़ा फैसला क्यों हर कोई नहीं कर सकता? क्योंकि लोग डरते हैं, अगर वो फैसला अगर वो कामयाब नहीं होता, वो फेल हो जाते हैं, उसे डरते हैं। जो आदमी हारने से डरता है वो कभी जीतना नहीं जाता, उसको जीतना ही नहीं आता। हार से जो डरता है वो जीत नहीं सकता। सो चौथी चीज है लीडर में चाहिए। लीडर अपनी मैं को काबू करता है। जो मैं है ना, मैं जिसको ईगो कहते हैं, जिसको इकबाल एक तरह खुदी भी कहते हैं, जब तक आप अपनी मैं को काबू नहीं पाते आप बड़ा इंसान नहीं बन सकते। जब तक इंसान मैं से बाहर नहीं निकलता, बड़ा इंसान होता है जिसकी बड़ी सोच होती है, बड़ी सोच अपने से निकल के बड़ी सोच होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, मुसलमानों के लिए नहीं बन के आए थे, इंसानियत के लिए आए थे। इससे बड़ा इंसान क्या हो सकता है? खुद सोचे ना, इससे बड़ा इंसान क्या हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के लिए नहीं, वो अपने कबीले के लिए, अपने शहर के लिए नहीं, वो इंसानियत के लिए आया था। ये होता है बड़ी सोच, इंसानों की कदर करने, इंसानों की बेहतरी के लिए। इस ये होता है एक अजीम इंसान और अजीम सोच। तो जो भी दुनिया में, जिसको दुनिया याद रखती है, ये फिर से याद रखे, जिसको दुनिया याद रखती है उसकी हमेशा बड़ी सोच होती है, अपने मैं से निकल जाता है बाहर। या जितने भी आप बड़े सगीर के अंदर चले जाएं, इस्लाम कैसे फैला था, बड़े बड़े बुजुर्ग आए थे, वलीउल्ला, दाता साहब, मियां मीर, बाबा बुल्ले शाह, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये बड़े बड़े लोग थे।
आज भी आप चले जाएं तो लाखों लोग उनके मजार पे आए हुए होते हैं। क्यों आते हैं? अब ये सोचें, आपने से सवाल पूछे, अभी भी दादा साहब का उर्स होता है, आप लाहौर में जो रहते हैं, आप देखिए किस तरह दुनिया आती है, क्यों आती है? बाबा फरीद गंजशंकर, सारे जी ये सारे आशिके रसूल थे, ये सब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने वाले थे। और वो सारों ने ये, उन्होंने जब ये आए, आप अजमेर में जाएं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पे, तो वह हिंदू भी आए हुए होते हैं, वह सिर्फ मुसलमान नहीं है। क्यों जाते हैं वो? क्योंकि वो इंसानियत के लिए आए थे। ये आपने समझ ली है बात? जो इंसानों की खिदमत करता है अल्लाह उसको इज्जत देता है, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलता है। आज मैं लाहौर के अंदर गंगा राम को आप जानते हैं, क्योंकि उसने एक अस्पताल बनाया था, उसको इसलिए जानते हैं, उसने इंसानियत के लिए, आज भी हम उसको नाम नहीं किसी ने बदला पाकिस्तान बनने के बाद, क्योंकि गंगा राम की मुसलमान भी इज्जत करते हैं कि उसने हमारे लिए अस्पताल बनाया था। तो ये याद रखें कि जो भी लीडर भी आता है, दो किस्म के लीडर आते हैं, एक लोग उनको गालियां निकालते हैं, वो पब्लिक में निकल नहीं सकते, और निकलते हैं तो चोर चोर की आवाजें लग जाती हैं, और पैसा बेतहाशा होता है, तीन दफा वजीर आजम बन चुके होते हैं, लेकिन इज्जत नहीं होती, क्योंकि जो जात के लिए आता है उसकी कभी कौम इज्जत नहीं करती। कितने अरबों अरबों खरबों पति इस दुनिया में आए हैं, कौन जानता है उनको? कि कोई याद रखता है? कितने पैसे वाले तो अरबों अरबों पति आए, कौन याद रखता है उनको? लेकिन दादा साहब को हमेशा लोग याद रखेंगे, और अल्लाह के सूफी सब याद रखेंगे, क्योंकि वो इंसानियत के लिए आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा अरफात के ऊपर आखिरी खुतबा देते हैं, 10 साल पहले वो शुरू करते हैं मदीना में, तो मुश्किलों से मुसलमान गुजारा करते हैं। 2 साल के बाद जंगे बदर होती है, 313 मुसलमान अल्लाह के करम से जंग जीत जाते हैं। अगली 2 जंगे बाल बाल मुसलमान उम्मा बचती है, जंगे ओद पे और जंगे खंदक पे मुश्किल से मुसलमान बचते हैं, खतरे में होते हैं, बुरे हालात होते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है 10 साल के बाद कि सारा अरब मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप के नीचे आ जाता है, फतह मक्का हो जाती है, सबको माफ कर देते हैं। ये सुने, फतह मक्का के बाद सबको माफ कर देते हैं, क्योंकि वो हालांकि उन लोगों ने जुल्म किया था, दुश्मनियां की थी, उनकी वजह से घर छोड़े, तो अगर जात के लिए, बस 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 जात के लिए अगर करें, अकल करके सुनो, तुम्हारा फायदा इनके लिए मैं बातें कर रहा हूं, सारी जिंदगी याद रखना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, चार चीजें लीडर बनने के लिए। तो उन्होंने सबको क्यों माफ किया? कि वो अपनी जात के लिए नहीं कर रहे थे। तो जब वो अरफात के ऊपर अपना आखिरी खुतबा पढ़ते, तो जब खुतबा खत्म करते हैं तो लाख लोग सामने जमा हुए होते हैं, तो कहते हैं, सबसे पूछते हैं कि अल्लाह को गवाह रख के सब ये बताओ कि मैंने दयानतदारी से अल्लाह का पैगाम आपको दिया, क्योंकि उन्होंने कहा आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है, और अब दयानतदारी से बताओ अल्लाह को गवाह रख के कि क्या दयानतदारी से मैंने अपना दीन आप तक पहुंचाया, पैगाम दिया। तो सारा आहिस्ता आहिस्ता जब आवाज पीछे तक जाती है तो लाख लोगों की आवाज आती है कि हां नबी, सब कहते हैं दिल से कि हां नबी, आपने दयानतदारी से अल्लाह का पैगाम हमें पहुंचाया। और फिर रोना शुरू कर देते हैं लोग, लाख लोगों के आज रोने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। क्यों?
क्यों आती है? और ये समझने की बात है कि जब एक इंसान अपनी ताकत के अरूज पे होता है, मुश्किल तरीन वक्त गुजार के ऊपर पहुंचता है, तो उसको तो फिर सोचना चाहिए था कि तो मैं मुश्किल वक्त गुजार रहा हूं, अब तो पैसा भी आ रहा है बैतुल माल में, अब तो सारा अरब मेरे नीचे है, तो अब तो मैं बड़े बड़े माल बनाऊं, सारे माल बनाऊं या लंदन में फ्लैट लूं। लेकिन दुनिया के अजीम लीडर, उनको वो उसी मस्जिद नबी में थे, कोई अपनी रिहाइश नहीं बदली, कोई रहन सहन नहीं बदला, वैसे ही रहे, क्योंकि जात के लिए नहीं आए थे वो। और उन्होंने उन्होंने और लोग क्यों रहे रो क्यों लोग रो रहे थे, क्योंकि लोगों को पता था कि अब उन्होंने अपना पैगाम मुकम्मल कर दिया है, उनकी मिशन पूरी हो गई है, तो इसलिए लोग रो रहे थे कि अब ये हमारे साथ नहीं रहेंगे, ये अपने अल्लाह के पास जाना चाहते, तो इसलिए लोग रो, क्योंकि वो जात के लिए नहीं था। याद रखें, आप जब माशाल्लाह आप जब लीडर बनेंगे सारे, तो आपने एक चीज याद रखनी है, जब आपको पावर और पोजीशन मिलेगी, जिस दिन आपने उसको अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया, आप भी उन लोगों की तरह होंगे जिनकी तारीख कभी आपको याद नहीं रखेगी और बुरा भला ही कहेगी आपको। जिस दिन खुलने लगा, जिस दिन आपने ये समझा कि अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारी दी है और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे, उनकी शरिया पे, उनकी सुन्नत पे चल के, आपने उसको एक जिम्मेदारी समझ के इंसानियत के लिए मदद करने के लिए निकले, तो आपकी सियासत इबादत बन जाएगी, वो इबादत कर में शामिल होगी और आपकी लोग इज्जत करेंगे, जिस तरह कायद आजम की हम इज्जत करते हैं, कैंसर से मार रहे थे कायद आजम, उन्होंने अपने दुश्मनों को नहीं पता चलने दिया कि वो कैंसर से मार रहे हैं, कि कहीं वो पाकिस्तान को बनने से रोक ना दे, और ये भी पता था कि मैं जब पाकिस्तान बनेगा मैं जिंदा ज्यादा देर नहीं रहूंगा, उसके बावजूद जिस मेहनत से, जिस कुर्बानी से उन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, वो अपने लिए नहीं हमारे लिए कर रहे थे, नहीं तो आज हमारा वही हाल होना था जो हिंदुस्तान में मुसलमानों का हो रहा है, जिस तरह वो बेचारे मुसलमान रह रहे हैं, हमारा भी वही हाल होना था। और कायद आजम ने तब सोच लिया था, मुसलमानों को कहा कि अगर तुमने पाकिस्तान ना बना तो तुम्हें नहीं पता तुम अंग्रेज की गुलामी के बाद हिंदू की गुलामी करोगे, जो आज मुसलमान कर रहे हैं हिंदुस्तान में, इसलिए हम उनके लिए प्यार, इसलिए हम कायद आजम की हमेशा इज्जत करेंगे, और इसीलिए नेल्सन मंडेला की साउथ अफ्रीका में हमेशा इज्जत होगी, क्योंकि वो उसने 27 साल जेल गुजार के सबको माफ कर दिया, क्योंकि उसका भी मकसद अपनी जात से बड़ा था। दुआ कर लें, हाथ उठाएं। सबसे पहले अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना जो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर, मदीना के असूलों के ऊपर खड़ा हो और एक अजीम कौम बने। अल्लाह पाकिस्तान में जो सबसे जरूरी चीज हमें चाहिए, अदल और इंसाफ और कानून की हुक्मरानी, और अल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क बने जो कोई पाकिस्तानी, जो भी उसका मजहब हो, कोई पाकिस्तानी रात को भूखा ना सोए। और ये आखिर में, ये मेरे यहाँ कोहिस्तान से भी आए हुए हैं वो लोग, जिधर नौकरियों ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, अरब ममालिक में जाते हैं, बीवी बच्चों को सालों के लिए छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप को, तो पाकिस्तान को अल्लाह वो मुल्क बना, इतना खुशहाल मुल्क बना कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए। आमीन। माशाल्लाह।
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا